किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों कल हमने एक वीडियो बनाया था फूड ग्रेड के ऊपर, तो उसमें कुछ चीज़ें हमसे छूट गई थी। और वीडियो बनने के बाद साथियों ने, क्योंकि उसमें तीन पार्ट में हमने आपको बताने का प्रयास किया था, तीन पार्ट में हमने आपको बोला था कि एक तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, दूसरा हमने उसमें आपको बोला था पशुओं को पिलाने के लिए, तीसरा हमने उसको बोला था वुमेन को देने के लिए। तो उसके अंदर जो है वुमेन के ऊपर कुछ लोगों को या कुछ हमारे साथियों को बात सही समझ में नहीं आई, तो उस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास आज करेंगे कि इंसान अगर इसको पीना चाहे तो इंसान किन किन बीमारियों में इसका उपयोग कर सकता है, उसके बारे में हम आप लोगों के बीच में आज बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि कोई भी ऐसी बात ना छूटे जिसके लिए आपको बाद में व्हाट्सएप मैसेज करना पड़े या कमेंट करना पड़े। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो किसान साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे फूड ग्रेड OWDC के बारे में, एक्सपोर्ट क्वालिटी इसको हम कह सकते हैं। बाहर विदेशों में भी हमने इसको भेजा है, काफ़ी देशों में हमारे माध्यम से ये गया है। तो ये एक वो ऐसा उत्पाद है जिस उत्पाद के अंदर हानिकारक कोई भी चीज़ नहीं ऐड की गई है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्री जाती है तो वो कस्टम डिपार्टमेंट के हाथों होकर जाती है, उसकी पूरी जांच की जाती है, उसके बाद उसको आगे भेजा जाता है, उसके विदाउट आगे उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाता। जैसे कि हमारे इंडिया में जो भी डाक आया वो अगले को पार्सल कर दिया, लेकिन यहाँ से कोई भी डाक जाएगी वो सीधा कस्टम डिपार्टमेंट को जाएगी, और कस्टम की जिम्मेवारी होती है कि उसकी पूर्ण रूप से गहनता से जांच की जाए। तो ये काफ़ी जगह से जांच होकर ये फॉरेन कंट्री में ही जाता है, तो वो एक एक चीज़ को चेक करने के बाद ही आगे इसको भेजते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की गई जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, हमारे लिए हानिकारक। अब इसको बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। 200 ml पानी आपको लेना है, और पानी बिल्कुल साफ सुथरा पानी होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, या तो नल का पानी हो, अच्छा पानी हो, या घड़े का पानी हो, या आप और कहीं माध्यम से पानी को रखते हो वो पानी हो, उस पानी को ही आपको लेना है। अगर ख़राब पानी आपका है तो उस पानी को बॉयल आप कर लें, गरम आप कर लें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसमें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड जो OWDC हमारा है वो डालने का काम आपको करना है। अब 200 ml पानी आपने लिया, 200 ml पानी के अंदर पूरा पाउच आपको डालना है। एक पाउच आएगा, उसको ताउमर आप यूज़ कर सकते हैं, ताउमर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बार आपको लेना होगा। और उस पाउच की कीमत जो है वो ₹320 है। आप अगर एक पाउच लेना भी चाहेंगे तो भी हम आपको भेजेंगे। ये नहीं है कि इसमें कोई भी टर्म ऑफ कंडीशन ऐसा नहीं रखा गया कि आपको दो लेना होगा या तीन लेना होगा या चार लेना होगा, ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई, क्योंकि ज़रूरत आपको एक की है, एक से आपका काम चलेगा, तो एक ही हम आपको भेजने का काम करेंगे। अब करना क्या है, वो 200 ml पानी आपको लेना है, उसको अच्छी तरह से छान लेना है, छानने के बाद उसके अंदर वो पूरा पाउच आपको डाल देना है,
और किसी सटीक से, किसी लकड़ी से या किसी प्लास्टिक लकड़ी से उसको घुमाना है सुबह से शाम उसको घुमाना है। उसको अगर आप घुमाएंगे तो वो 3 से 4 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। 3 से 4 दिन के बाद जब वो रेडी हो जाए तो उसको दोबारा एक बार फिर छान लेना है, उसमें कुछ मटेरियल फिर भी गंदा मटेरियल निकलता है पैकिंग करते समय होता है, तो वो मटेरियल भी उससे अलग हो जाएगा। उसके बाद वो एक शुद्ध यानी फूड ग्रेड आपका जो है लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपको उसको लेना कैसे है, पर डे आपको 2 ml 1 स्पून चम्मच यानी 5 ml आपको पर डे लेना है। 5 ml सुबह लेना है, 5 ml आपको शाम को लेना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, बीमारी चाहे आपको कैसी भी क्यों ना हो, उसमें हर बीमारी में आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है उसमें आपको फायदा होगा, आपके जोड़ों में दर्द होता है उसमें आपको फायदा होगा, आपका अंदरूनी पेट से संबंधित कोई अन्य समस्या है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, दिल से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, सर से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी जो भी शरीर के अंदर बीमारियां आपके पनपती हैं उन हर बीमारी में वो आपको फायदेमंद देगा। आपको पर डे 5 ml लेना है। अब शरीर के बाहर की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों को देखा होगा बाल समय से पहले चले जाते हैं, समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो साथी भी बालों को मालिश कर सकते हैं, उससे भी उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी लोगों को डैंड्रफ इत्यादि हो जाता है, अगर वो नहाने से 1 घंटा पहले अगर सर में लगाने का काम करेंगे, मालिश करेंगे, तो वो डैंड्रफ जो है उसका 3 से 4 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शरीर के बाहर किसी प्रकार की एलर्जी है, शरीर को किसी भी प्रकार का कोई घाव हो जाता है, घाव अगर डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो उसको ठीक होने में कम से कम यानी 10 से 12 दिन का समय लगता है। अगर आपके पास फूड ग्रेड OWDC का घोल अगर बना हुआ है उसको अगर आप लगाते हैं तो 2 या 3 दिन में वो जो घाव है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो बैक्टीरिया डाले गए हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। इसका हर एक दाना दानेदार है, ये इसका हर एक दाना बहुमूल्य है, इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत अगर हम कहें तो वो इसको हम मान सकते हैं। एक एक दाने का उपयोग आपको इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो पूरा पैकेट आप यूज़ कीजिए, अगर आपको रिजल्ट धीरे धीरे चाहिए तो आधा पैकेट यूज करके आधे को आप रख दीजिए, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर है। 5 ईयर तक इस पाउच का उपयोग किया जा सकता है, 5 साल तक इस पाउच का उपयोग आप कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि इंसान के ऊपर इसका कैसे उपयोग करना है, फिर बाद में जब 200 ml आप ले लें और 150 ml उसमें से आपको लेना है, 50 ml आपको उसमें रखना है, फिर उसके अंदर पहले 200 ml आपने बनाया उसमें गुड़ नहीं डालना आपको, पहले 200 ml जो आपने बनाया उसमें गुड़ बिल्कुल नहीं डालना है आपको, सीधा उसको तैयार करना है। सेकंड टाइम जब 50 ml उसमें बच जाए तो फिर उसको 150 ml 200 ml पानी से भर देना है और उसके अंदर 5 से 10 ग्राम गुड़ की मात्रा आपको और डाल देनी है। अगर चीनी भी आप इसमें डालना चाहें तो चीनी का उपयोग भी आप कर सकते हैं, वैसे चीनी हानिकारक माना जाता है, लेकिन ये जिस तरीके से बनाया गया है उस चीनी के अंदर जो भी हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने का ये काम करेगा, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो मल्टीप्लाई आपको हमेशा इसी तरह से करते जाना है, 50 ml उसमें रह जाए फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको यूज कर लो, फिर 50 ml रह जाए फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको यूज कर लो। तो साथियों आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आज का वीडियो कैसा रहा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अच्छा आप लिखने का प्रयास कीजिए और इसका आप कंटिन्यू यूज कीजिए। जिन साथियों को ज़रूरत हो वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी साथी को गाढ़े गोमूत्र वैष्टि कंपोजर
वाम इत्यादि की अगर आवश्यकता हो तो भी वो इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आने वाले समय में किसी नए वीडियो को लेके हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।